हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम के कोविड अस्पताल मामले में हो रही कार्यवाही के बारे में पत्रकारों को बताते हुए कहा कि अस्पताल एमओयू के नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रहा था, जिसे देखते हुए अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई की गई है। अस्पताल के ब्लड बैंक में फार्मेसी का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। इतना ही नहीं, हरियाणा अर्बन अथॉरिटी ने भी अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया। मैं तो फोर्टिस के खिलाफ पूरी कार्रवाई की है, जांच में जो जो बिंदु आए थे उनके ऊपर कार्रवाई की है। उनका जो ब्लड बैंक है वो हमने सस्पेंड कर दिया है, उनकी जो फार्मेसी है उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, और उसको जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने भी नोटिस दे दिया है कि जो एमओयू की शर्तों के मुताबिक उनको गरीबों को मुफ्त इलाज करना था वो नहीं कर रहे हैं। एनएबीएच ने भी वहाँ पर अपनी जांच की है और पूरी तरह से जो जो काम थे वो हमने किए। प्रदेश में हो रही बलात्कार की घटनाओं पर लोगों ने चिंता जताते हुए कहा कि हमारी पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। कानून में बदलाव लाने के सवाल पर उसने कहा कि निर्भया कांड के बाद कानून सख्त हो गया है और इसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। घटनाएं हो रही हैं ये बात सच है, लेकिन पुलिस भी हमारी पूरी तरह से सक्रिय है और कार्रवाई कर रही है। लगभग सभी केसों में उन्होंने आगे सफलता प्राप्त की है, कहीं पर अरेस्ट कर लिए गए हैं अब आदमी और जगह जगह पर उनको सजा दिलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पत्रकारों द्वारा हुड्डा की सरकार को बर्खास्त करने की मांग पर विष्णु कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा तो रोज सरकार को गिरा कर सोते हैं और खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना देखते हैं। उन्होंने कहा उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के संभावित हरियाणा दौरे के बारे में कहा कि राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ भाजपा को लाभ होता है। हुड्डा साहब तो रोज हरियाणा सरकार को गिरा के सोते हैं और सुबह चाहते हैं कि उनको कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दे, लेकिन ये सपना उनका अब सारी जिंदगी साकार होने वाला नहीं है। तो अच्छी बात है, जहाँ जहाँ जाता है भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही होता है, तो बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी हरियाणा में आए उससे हरियाणा को लाभ ही होगा, हरियाणा बीजेपी को लाभ ही होगा।